साथियों नमस्ते। यहाँ पर मैं अकेला सांपों के साथ जंगल में आया हूँ उनको आज़ाद करने के लिए। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और धारीदार ढूरिया जो खुले मैदानों में घास की रहता है और इन दिनों में अंडे डालने के लिए और अब ज़्यादा निकलते हैं, इस तरह से बहुत ही सुंदर सांप देख सकते हैं। किस तरह से बहुत शांत रहता है ये पीली जगह। और ये जो डिज़ाइन है अलग अलग, ये उसमें से डिज़ाइन उसके शरीर पर कुदरत ने उसको दी है, काफ़ी सुंदर बनाया है। और ये जो धारियाँ दिखाई दे रही है इसलिए उसको धारीदार ढूरिया बोलते हैं। और स्ट्राइप्ड कीलबैक ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है और मराठी में इसको नानीटी कहते हैं। बहुत शांत बैठा है इसलिए हम इसकी शूटिंग निकाल पा रहे हैं। आप अच्छी तरह से उसको देखिएगा, आपके अक्सर मैदानों में और बगीचे में इसके साथ गार्डन में वगैरह आता रहता है। इसको अभी हमने आज़ाद किया है, तो इनको आज़ाद करते हैं। इस तरह से घोनस बड़े पैमाने में मिलते हैं झाड़ जंगड़ में रहने वाला ये सांप। इतना सुंदर उतना खतरनाक भी। थोड़ा सा मैं थैली से उसको घुसा रहा हूँ ताकि वो भाग जाए, नहीं तो ऐसा ही बैठा रहता है कभी कभी। ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया नाक होने की संभावना, क्योंकि वो ये देखिए कितना बड़ा है। देखिए इतना बड़ा है लेकिन उतना ही बड़ा है तेजी से भागता जाता हुआ। गुड बाय दोस्त। सांप अलग अलग प्रजाति के ज़रूर मिलते हैं लेकिन नागों की संख्या ज़्यादा है। हमने जो 17,000 से ज़्यादा सांप पकड़े उसमें से नाग 45% थे। हर इसके नोट लिखते हैं, थोड़ा सा दुबला पतला थोड़ा सा वीक दिखाई देता हुआ ये नाग। उनको भी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। देखिए कितना पतला है ये ढोरिया सांप, इस तरह की हरकत करता है। लेकिन नाग है क्योंकि इसने आवाज़ किया मैंने छोड़ने से पहले, इसलिए कन्फर्म है। आप देख सकते किस तरह से अभी बाहर आएगा, क्या क्या हरकतें करेगा, कितना डरेगा और कितना डराएगा। इस वजह से भाग रहा आवाज़ करने वाला भी। देखिए ये देखिए बहुत सुंदर सांप, बहुत ही घने और सुंदर जंगल में। धीरे धीरे से आ जाए ताकि आपको अच्छी तरह से देखने को मिले। भानु जोशी का सांप इस तरह से, लोग अक्सर ये जो चींटियों का घोंसला दिख रहा है उसमें सांप रहते हैं कैसा माना जाता है, सोचा जाता है। ये छोड़ जब चींटियाँ ये अंडे वगैरह डालकर छोड़ देते हैं तो उसमें सांप रहने की काफ़ी संभावना है। नहीं तो सांप कौन सी भी जगह छुपने के वहाँ पर रह सकता है, लेकिन खासकर ये सांपों का जगह है ऐसा वगैरह मानना ठीक नहीं। सांप तो कहीं पर भी रह सकता है उसको जहाँ पर सुरक्षित लगे। देख सकते बहुत ही सुंदर सांप हम यहाँ पर आज़ाद कर रहे हैं एक एक करके। ये देखिए ये देखिए ये नाग है, फन निकाला के बाद आपको पता चलता है ये अभी बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जगह पर कुदरत की खजाने में हमने इसको आज़ाद किया है। चलिए इसको भी आज़ाद कर देते हैं। घोनस बहुत बड़ा तिकोना मुंह देख सकते हैं, खड़ी पुतलियाँ रहती है और नथुने किस तरह से ऊपर रहते देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा झूम करके दिखा रहा हूँ और हमने छोड़ा तो थैली में ऐसे ही वो उल्टा उल्टा पुल्टा होके पड़ा हुआ है। कभी कभी झटके मार लेता है, कभी इसको खतरा लगा ये कर लेता है। इस तरह से देखिए तेजी से आवाज़ करने लगता है और ये जल्दी जल्दी हम कभी कभी इसको स्टिक से ऐसा उकसाते हैं ताकि वो जल्दी चला जाए। इस तरह से ये देखिए हर सांप पानी में अच्छा तैराती है। ये दूर 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 चला गया है और जंगल में अभी कहीं पर उसको छुप जाने के लिए जगह मिलेगी, इतना सारा बड़ा जंगल है। गुड बाय दोस्त। ये देखिए धामन निकला, बहुत सुंदर दिखाई भी नहीं दिया नाग है।
और सुंदर भी है। ये देखिए, ये देखिए इसके एक्शन और किस तरह से निकलता है। ढोल देखिए, ये राधी देखिए, और क्या नज़ाकत रहती है इनके, फिर भी भागते हैं, डराते और खुद ही डर जाते हैं। और छोटा सांप है, और थैली तो हमारी छोटी रहती है, आपको पता है। इस तरह से धीरे 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 ये उल्टी तरफ में छोड़ रहा हूँ कैमरे की तरफ, इस तरह से देखिए बाहर आ जाते हैं और निकल पड़ते हैं। नाक हो सकता है, और नाक ये थैली में अंदर मुंह है, ये बाहर आ गया, इस तरह से हरकतें और निकल पड़ा सुंदर घने जंगल में। सांप खुद ही बाहर आना चाहिए तो उस तरफ आना चाहिए, लेकिन सांप बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, ऐसा नहीं है। कहीं पर अटक जाता है तो बार बार देखिए इस कोने में है तो मुंह यहाँ पर ये करके वो कैसे ये कर रहा है, उसको ये पूरी तरह से छोड़ा है, मैं अभी आज़ाद हूँ जा सकता हूँ ऐसा नहीं लगता। लेकिन उस तरफ वो अपने आप आ गया तो अपने आप बाहर आ जाता है। यहाँ पर अभी उसका मुँह है, ये मैं इसको थोड़ा सा उकसाऊँगा। ये देखिए अभी ये देखिए, ये छोटा सा बहुत ही सुंदर नाक इस तरह से बाहर आ गया, तो इसको भी आज़ाद करेंगे। और दामन जाति का सांप है, हल्का सा मुझे दिखाई दिया, ये देखिए इसके ऊपर ऐसी पीली काली लाइन रहती है, बीच वाला हिस्सा अलग कर रंग का रहता है, जैसे दो सांप है ऐसा कभी कभी लगता भी है, लेकिन सांप तो एक ही है। इसकी थोड़ी सी पूंछ कट है, और ये अभी बाहर आने के बाद भागेगा और आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा। ये देखिए ढोरिया जाति का सांप, उसकी पसंद है जगह पर, करता है बाद में उसको आने में बहुत अच्छा लगता है। गुड बाय दोस्त। तो ये देखिए उसके जोड़ी दर को भी छोड़ देंगे, ये देखिए ये पानी के सांप है और ये हवा घूमते रहते, इसलिए हमने दोनों को साथ में छोड़ा, ये तो यहीं पर रुका है। चलो बाय 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 दोस्तों। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।